जनजन की आवाज जीएन भारत में आपका बहुत ही स्वागत है और हम ईडी कार्यालय के समक्ष आज फिर से मौजूद है। जीएन भारत की टीम हमेशा मौजूद रहती है ईडी कार्यालय के पास। जितनी भी हम आपको सबसे पहले लाकर देते हैं और अब जो खबरें निकल के सामने आ रही, जैसा हमने आपको कल भी बताया था कि पंकज मिश्रा, निशिकांत दुबे ने ट्वीट करके ये सनसनी फैला दी कि पंकज मिश्रा ने कबूला है कि वो जो है डमी कंपनी चलाते थे और उसके तहत टेंडर जो है वो अपने रिश्तेदारों को और अपने जान पहचान के लोगों को देते थे। ये पहला एक खुलासा बहुत बड़ा बाहर निकल के सामने आया निशिकांत दुबे के ट्वीट के जरिए। लेकिन अब जो दूसरा खुलासा पंकज मिश्रा करते जा रहे हैं, इससे कहीं ना कहीं फिर से एक बार डीएमओ और डीएफओ की शामत आने वाली है, क्योंकि आज जो खबरें निकल के सामने आ रही है, हमने जीएन भारत की टीम ने आपको पहले भी बताया था ये बात कि साहिबगंज में एक टुकड़ी जो ईडी की टीम है वो जाने वाली है और भी दस्तावेज खंगालेगी और जगह छापे मारने हैं। ऐसा लग रहा है मानो, और हमने आपको ये भी बताया था कि जब से ऋषिकेश पांडे जो नए डिप्टी डायरेक्टर आए हैं और उनका ये ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि वो जो भी काम को लेते हैं, अजीत दोवल के बहुत खास है, और जो भी काम को लेते हैं 100% उसको पूरा करते, तो कहीं ना कहीं ये बातें जो हमने आपको बताया था कहीं ना कहीं धीरे धीरे सच होती नजर आ रही है। क्योंकि ऋषिकेश पांडे में जैसे वो आए हैं तब से जांच पड़ताल बहुत तेज हो चुका है। अभी बताते चले आपको कि ईडी की एक टुकड़ी जो टीम है वो साहिबगंज पहुंच चुकी है और वहां पर डीएमओ और डीएफओ के कार्यालय में छापा मारा जा रहा है। हमने आपको बताया था कि डीएमओ विभूति कुमार से यहां रांची में पूछताछ हुई थी, उसका अपडेट हमने आपको दिया था कि बहुत कुछ राज खंगोले है, लेकिन वो पूजा सिंघल के मैटर में था। इस बार पंकज मिश्रा के एंगल से, मनी लॉन्ड्रिंग के एंगल से, यहाँ पर विभूति कुमार से उनके कार्यालय जाकर ईडी फिर से पूछताछ की है और ईडी ने उनसे दस्तावेज खंगाले हैं, बहुत सारे दस्तावेज की जानकारी मांगे हैं, लेकिन विभूति कुमार ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पाए कुछ, और जो जवाब उन्होंने दिए हैं उससे ईडी जो है वो सेटिस्फाइड नहीं है, संतोष नहीं है। इसके अलावा जो माइनिंग और भी माइनिंग ऑफिसर है, डीएफओ है मनोज तिवारी, उनसे भी पूछताछ हुई है, लेकिन वो भी कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए हैं। तो फाइल्स जो है और जो पुरानी फाइल्स है उसको निकाला जा रहा है, पूछा जा रहा है उसके बारे में। इसके अलावा वहां पे जो क्रशर है वहां से जब स्टोन चिप्स, एक और खबर निकल के सामने आ रही है कि अब जो जो लादा जा रहा है स्टोन चिप्स को दूर दराज, जो लीगल स्टोन चिप्स लादने का जो काम होता है साहिबगंज में ट्रक के द्वारा, जब वो तीन ट्रक जा रही थी क्रशर के बगल से, तब जो ईडी के एक पदाधिकारी है उन्होंने उस ट्रक को रोका और पूछा कि क्या है, कहाँ जाना है। जब सारा डिटेल जब निकालने की कोशिश की ईडी के पदाधिकारियों ने, तब उनके जो ड्राइवर है, तीनों ट्रक के ड्राइवर जिस पे स्टोन चिप्स लदा था, उनके ड्राइवर ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया, और वो स्पष्ट जवाब नहीं दिया तो वो सेटिस्फाइड नहीं थे, ईडी के पदाधिकारी सेटिस्फाइड नहीं थे। तो क्या किया कि तीनों के ड्राइवर को अपने कब्जे में लिया और भी पूछताछ करने में लग गए। तो देखना, और साहिबगंज में जो भी दफ्तर है माइनिंग से रिलेटेड, डीएफओ डीएमओ जो भी ऑफिसर्स है, साइट पर जाके निरीक्षण करिए ईडी। जी हाँ, तो कहीं ना कहीं साहिबगंज को ही ऐसा लग रहा है पूरा ईडी जो है वो रडार में लेकर आ चुकी है और किसी भी एंगल से ईडी इस मामले को के तह तक लगता है सोच जाने का पूरा मन बना चुकी है, जा तो रही है, लेकिन ईडी जो है वो बार बार जाकर जो दस्तावेज है, नए नए दस्तावेज जब भी जब जाते हैं वो कार्यालय में, तो हर बार कोई नया दस्तावेज निकलता है, तो सेटिस्फाइड ईडी नहीं है। ऐसा लग रहा है मानो ईडी अपने काम से भी सेटिस्फाइड नहीं है, वो बार बार साहिबगंज अपने टीम को भेज रही है और नए नए ठिकाने पर छापा मार रही है और नए नए चीज़ें निकल के सामने भी आ रही है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे पंकज मिश्रा का जो खुलासा है वो ईडी के काम में बहुत सहयोग दे रहा है, और ऐसा भी लग रहा है कि पंकज मिश्रा जो काफ़ी परेशान और हताश निराश परेशान थे, खाना भी ठीक से अभी वो नहीं खा रहे हैं, ईडी जब पूछताछ कर रही है तो बीच में बार बार वो पानी मांग रहे हैं, खैर ईडी के पूछताछ के समय तो अच्छों अच्छों के पसीने छूटते ही है, तो इसलिए पंकज मिश्रा जो है ऐसा लग रहा है कि पूरा सहयोग कर रहे हैं ईडी का। तो ये कहीं ना कहीं ये पूरे मामले में ईडी अपना पूरा सक्रियता बहुत मुस्तैदी के साथ बनाई हुई है, और देखना दिलचस्प होगा कि 6 दिन के रिमांड पे जो पंकज मिश्रा है, आज तीसरा दिन हो चुका है, और 3 दिन में क्या नए खुलासे होते हैं और उसके बाद क्या जजमेंट आता है, क्या इनका रिमांड बढ़ेगा, जेल जाएंगे, छोड़ा जाएगा, जो भी कुछ होगा अपडेट आप बने रहे जीएन भारत के साथ। एक्सक्लूसिव खबर जीएन भारत की टीम आपको देती रहेगी, ऐसी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए जीएन भारत। धन्यवाद। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।